धर्म नगरी हरिद्वार में मकर संक्रांति पर श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाई है। सुबह तड़के से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा घाट पर पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करके दान पुण्य भी किया। वहीं मकर संक्रांति पर जगह जगह धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। कई जगह पर खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया जा रहा है। कड़ाके की ठंड भी श्रद्धालुओं की आस्था को टिका नहीं सकी और मानो श्रद्धा भाव देखकर सदी ने खुद ही चुप्पी साध ली हो। बता दें कि साल का पहला बड़ा गंगा स्नान 14 जनवरी को मकर संक्रांति का है और इस स्नान पर्व का काफ़ी महत्व माना जाता है, क्योंकि मकर संक्रांति के पर्व के दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। इसी के साथ ही सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण भी हो जाते हैं, इसलिए मकर संक्रांति के स्नान को खास माना जाता है। हरिद्वार में मकर संक्रांति पर गंगा में स्नान करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। देश भर से श्रद्धालु आकर यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। क्रांति के उपलक्ष्य में जैसे कहा जाता है कि जो सूर्य है मकर राशि में चढ़ता है, तो इसके लिए जो है महादान का आज विशेष रखा जाता है। आज के दिन महादान माना जाता है और यहाँ पे काफ़ी आनंद आ रहा है। मकर संक्रांति हमारी भारतीय संस्कृति का एक बहुत बड़ा पर्व है और सूर्य उत्तरायण होते तो सूर्य उत्तरायण में हमारी भारतीय संस्कृति में स्नान दान जप तप और स्वाध्याय चिंतन यज्ञ हवन इत्यादि का बहुत महत्व है। तो इसलिए मकर संक्रांति का जो स्नान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है और इस मकर संक्रांति का जो महापर्व है इसी पर्व की प्रतीक्षा में दादा भीष्म ने अपनी प्रतीक्षा की थी और दादा भीष्म ने इसी क्षण अपने प्राण को त्यागने का संकल्प लिया था।